हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है थोड़ा मेरे चैनल पे जिसका नाम है रीत ब्लॉग। सो राखी, जैसा कि आपने मेरा राखी का ब्लॉग देख लिया, शू कलेक्शन देख लिया, और अभी जो है उसके नेक्स्ट डे है। सो हम लोग जो है जा रहे हैं, वैसे आपको ये बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पहले आप मेरी जो है फुल लुक देख लो। एंड जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए हमने मिठाई ले ली है। ये रहे हमारे डिब्बे, और ये रहे मम्मी और जोत, हम साथ में जा रहे हैं सब। और सिमी जो है बाहर गई हैं अभी शॉप पे, जो है जहाँ से डिब्बे लिए हैं, पेमेंट वगैरह कर रही हैं, फिर हम निकलते हैं। एक घंटे का हमारा सफर है। एंड आप मेरी लुक चेक करो, फिर आपको ये बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम रीत को लेके जा रहे हैं, जो बड़े मामा जी हैं उनकी बेटी की मैरिज हुई है, यहाँ टांडा सिटी है उसके पास, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी रेडी हैं हम जाने के लिए, तो निकल रहे हैं, कैसे क्या होगा वो बताते हैं आपको रास्ते में। तो रीत रेडी है, हम सब लोग रेडी हैं, मैं जा रहे हैं, मैं रीत और मम्मी जा रहे हैं साथ में, और छोटे मामा जी की बेटी आई है वो जा रही है हमारे साथ। तो चलो अभी दिखाते हैं मैं आपको रेडी होकर। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं जहाँ पे हमें आना था। जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि हम मामा जी की बेटी के घर पे आए थे, सो यहाँ पे अभी हमारा हो रहा है लंच टाइम। लंच टाइम करके फिर उनको साथ में लेके ही हम जो है नानी के घर जाएंगे। चलो। हाँ जी, सो हम लोग जो है चल पड़े हैं वहाँ से जहाँ पे मैंने आपको बोला था, और हम लोग ले आए हैं दी को साथ में ही। और दी हेलो कर दो। और इनके जो है बहुत ही क्यूट ना बेबी है, तो ट्विंस है, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी बहुत ही जल्दी। अभी एक सो रही है और एक ये मेरे पास सो रहा है। एंड बस अभी हम लोग अपने नान के जो है वहाँ पे पहुँच गए हैं, उनके पिंड मुकेरियाँ असी पहुँच गए हैं, तो हम अपना एंटर होने लगे हैं पिंड, तो तुम दिखाने रस्ता। मुझे तो अभी फिलहाल इतना पता नहीं चलता, वो इतना प्यारा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसको साथ में ले जाऊं, पर हमारे ऑलरेडी रखा हुआ है, वो नाराज हो जाएगा फिर। ये बहुत क्यूट है, क्यों जिस जो भी मुझे देख रहा है, मैंने इसको उठाया हुआ है, सब लगे आए हाय। मेरा बस चले तो मैं कोई ऐसा काम कर लूं जहां पे डॉग्स ही डॉग्स हों। हाँ जी जी, सो आज है सैटरडे, रक्षाबंधन के एक दिन पहले है, मतलब वैसे आप लोग को पता ही होगा, मैंने आपको बोला था कि मैंने जो है संडे को रक्षाबंधन पे जो है घर पे जाना था राखी बांधने के लिए, बट लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह सुन रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि किसान आंदोलन जो है ना फगवाड़े और जलंधर में खूब जोरों शोरों से है, पूरी रोड जो है ब्लॉक हुई हुई है, और आंदोलन किस वजह से हो रहा है, शुगर केन का जो प्राइस है ना वो यहाँ पर जो है सही नहीं मिल रहा, उस वजह से किसान आंदोलन जो है चल रहा है। अभी हमने यहाँ पे पुलिस वालों से पूछा है कि वो रोड ओपन है या नहीं, उन्होंने बोला ब्लॉक्ड है, आपको वाया होशियारपुर जाना होगा। सो हम लोग अभी हमने अपना रूट चेंज किया है, अभी जलंधर के बीच में से हम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, इधर से भी चले जाएंगे, ये भी रास्ता ठीक ही है। बट ये है कि
राखी के टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो गई है, जिन्होंने भी अब इधर उधर जाना है ना उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो गई है। सो अगर किसी को नहीं पता आप लोग ये मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो पंजाब के जो लोग भी जो है वीडियोस देख रहे हो। बाकी अगर आपको पता है मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड मैं फोटोज अटैच कर रही हूँ कि कितनी ज्यादा वहाँ पे जो है इकट्ठ हुआ। तो आज ट्रैवल करने की ये दिक्कत आ रही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है ना मैं इस रास्ते पे भी, क्योंकि जिन्होंने भी जलंधर फगवाड़े के साइड से जाना था सब अब इस रास्ते से आ रहे हैं, एंड आप मैप के ऊपर भी देख ही सकते हो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इतना इतना ट्रैफिक आ जाता है। हम लोग जो है 3:30 के घर से निकले हुए हैं, एंड अभी टाइम हो चुका है 6:00 एंड अभी हम लोग ने सिर्फ होशियारपुरी क्रॉस किया है। अब तक तो मुझे लग रहा है 3:30 से 4:30 अपा भोगपुर तो अगे पहुंच जाना सी हुन नू तां, है ना, अगर उस रस्ते तो आ रहे होंगे तो है ना। सो काफ़ी मुश्किल है अभी आगे भी जो है ना, बस इतने डिस्टेंस पे गाड़ियां जा रही हैं, थोड़ी देर बाद ब्रेक लग जाती है, देखते हैं कितने बजे तक घर पहुंचेंगे। अभी फिर हम थोड़ा सा ही आगे आए हैं, एंड अगेन यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। अभी मैप पे नहीं दिखा रहे बट लेकिन इसके ऊपर दिखा रहे हैं, ये देखो ये पता नहीं हमारा कौन सा जाम है, इतना लंबा ट्रैफिक जाम है ना। अब देखियो वो चल पड़ा मैं पहले क्यों नहीं वीडियो स्टार्ट करी बनानी, वीडियो जैसे ही स्टार्ट करी ना ये इतना सा चला है और फिर गाड़ी रुक गई है। देखो ये हाल हो रहा है, 9 मिनट बता रहे हैं कि उसके आगे भी जाम ही है, थोड़ा कम है बस। सो फाइनली फगवाड़ा हम लोग पहुंच गए हैं, एंड टाइम अभी जो हो रहा है 7:00 हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं जो है घर पे आई थी रक्षाबंधन के लिए, आपने ऑलरेडी देख ही लिया, बहुत ही मुश्किल से हम लोग घर पहुंचे थे। हमें यूजुअली से जो है ना 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, वरना हम लोग 3 घंटे में आते हैं। कल हम लोग 4-4.5 घंटे लग के जो है घर पहुंचे, एंड आगे थे रेस्ट रुस्ट की, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। एंड मेरा कुछ सामान था जो मैंने मंगवाया हुआ था, मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। एज़ यूजुअल मैं अपनी चीज़ें जो है जो भी ऑर्डर करती हूँ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो जो पहली चीज़ थी ये मैंने कल वेयर भी की थी रास्ते में, इतनी कूल लग रही थी ना ये मुझे बहुत देर से चाहिए थी, कैट आई शेप में जो है ना सनग्लासेस। सो इसका प्राइस जो है यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कितने में मैंने ली थी, और इनके साथ बाय करना चाहती हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एज यूजुअल। एंड जो दूसरी चीज़ थी जो ऑर्डर करी थी वो है चाहती हूँ दैट इज़ दिस जैगिंग, ये ऐसे पॉकेट्स वाली जो है ना जैगिंग, ऐसी मैंने घर पे पहनने के लिए बिकॉज समर्स में बहुत ही सही रहती है, सो ऑर्डर करी थी। एंड इसका भी प्राइस लिख रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड एक और चीज़ है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और आइटम जो मैंने आपको दिखानी थी वो आई जस्ट शो यू इट, ये हमने एक शूज़ ऑर्डर किए थे, शूज़ हैं रेड टेप के एज यू कैन सी जो कि पेंट के नीचे आगे। सो ये हमने शूज़ ऑर्डर किए थे अमेजोन से ही, एंड इसका प्राइस भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे ही, एंड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कुछ इस तरह के हैं। नाइस ओके सो ये वीडियो के लिए इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बन रही है रक्षाबंधन की वीडियो। मैं अभी अपने ब्रदर को राखी बांधने जा रही हूँ, सो वो वीडियो के लिए एक्साइटेड रहिए जैसे कि मैं हूँ, बस मैं अभी जा ही रही हूँ उसके राखी बांधती हूँ, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बी सेफ, डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट।